दोस्तों यह है भारत का उड़ीसा राज्य, जो अपने आकर्षक समुद्री बीचों, दर्शनीय मंदिरों और ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए फेमस है। इस राज्य की कला, संस्कृति, त्यौहार और यहाँ का नृत्य इस राज्य को अपनी एक अलग पहचान दिलाते हैं। दोस्तों आप सबने भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द का नाम सुना होगा, जो उड़ीसा राज्य का ही प्राचीन नाम था। इस राज्य को कलिंग और उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता था, पर वर्ष 2011 में इस राज्य का नाम उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया। यह भारत का एकलौता ऐसा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर अलग किया गया था। सन 1 अप्रैल 1936 को भारतीय संघ के राज्य बने ओडिशा में आपको दुनिया के सबसे पुराने पत्थर से लेकर रॉयल बंगाल टाइगर और वाइट टाइगर देखने को मिल जाएंगे। ओडिशा वही राज्य है जहां पर 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में लाखों लोगों के नरसंहार को देखने के बाद भारतीय इतिहास के सबसे प्रतापी शासक सम्राट अशोक युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर वह बौद्ध धर्म की ओर परिणित हो गए थे। इसके अलावा भी ओडिशा राज्य में भोमकारा वंश, छेदी वंश, खारवेल वंश और मुगलों ने भी अपना आधिपत्य जमाया था। यह राज्य अंग्रेजी हुकूमत के भी गिरफ्त में आया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी ओडिशा पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक पदार्थ हैं जिससे वह कोई भी जंग जीत सकते हैं। हालांकि हिटलर का यह सपना मात्र एक सपना बनकर ही रह गया था। ओडिशा राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के शासक राजा ओड ने की थी और उन्होंने अपने नाम के आधार पर इसका नाम ओडिशा रखा था। वर्तमान ओडिशा राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है और यह 485 किलोमीटर का कोस्ट लाइन भी रखता है, जो ओडिशा के व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ पर 700 से भी अधिक मंदिरें मौजूद है और इनमें से अधिकांश मंदिर तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव को समर्पित है। ओडिशा राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। ओडिशा समुद्री तटों से निकटवर्ती होने के कारण यहाँ पर बीच बीच में तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। सन 1 अक्टूबर 1999 को आए एक चक्रवात में लगभग 10,000 से भी अधिक लोग मृत्यु का शिकार हो गए थे और जान माल को भी गंभीर नुकसान हुआ था। ओडिशा राज्य कुल 155,707 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और इसकी जनसंख्या 2011 सेंसस के अनुसार 4,19,74,218 है और यह एरिया के हिसाब से भारत का 9वां और पॉपुलेशन वाइज 11वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर आपको 270 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में दिख जाएंगे। इस राज्य में समुद्री तटों से भी व्यापार किया जाता है, यही कारण है कि इस राज्य की जीडीपी लगभग 5.86 ट्रिलियन यानी 85.56 अरब अमेरिकी डॉलर की है और इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,27,383 रुपए सालाना है। ओडिया भाषा राज्य की आधिकारिक भाषा है और भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ के 93.33% जनसंख्या ओडिया भाषी है। इसके अलावा भी यहाँ पर हिंदी, संबलपुरी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। यह राज्य समतल, तटीय पट्टी और छोटा नागपुर के पठार में फैला है, जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पर महानदी, ब्राह्मणी, सालंदी और बैतरणी नदियों के उपजाऊ मैदान पर मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। इस राज्य में कुल 62 से भी अधिक समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी की अपनी अलग अलग संस्कृति है। उड़ीसा राज्य में त्योहारों को भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क डांस फेस्टिवल और भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा दर्शनीय होती है। साथ ही में उड़ीसा के नृत्य को दुनिया भर में सराहा जाता है और इस लोक नृत्य को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं। ओडिशा राज्य सिर्फ त्यौहार और नृत्य ही नहीं, बल्कि ओडिशा राज्य में भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध हीराकुंड बांध स्थित है, जिसकी लंबाई 56 किलोमीटर है और इस अद्भुत डैम को वर्ष 1956 में बनाया गया था। उड़ीसा अपने धार्मिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है और उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और राजधानी भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर उड़ीसा के प्रमुख दार्शनिक स्थल है। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि कोणार्क के सन टेम्पल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया है। यह राज्य अपने झील और खूबसूरत नेशनल पार्क के लिए भी जाना जाता है। पर्यटकों के लिए यहाँ पर चिल्का झील, भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकाना चिड़ियाघर और ट्रैवल म्यूजियम भुवनेश्वर को भी घूम सकते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के लिए यहाँ पर उदयगिरी, खंडागिरी और गुप्तेश्वर की गुफाओं को भी आप सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप खाने के शौकीन हैं और आप उड़ीसा आकर यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड को ना चखें तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। आप यहाँ पर छेना पोलो डिश को भी ट्राई कर सकते हैं, जिसे पनीर को पकाकर रेडी किया जाता है। इसके बाद आप पोखालो, ओडिशा का सबसे लोकप्रिय डिश डालमा, जिसे दाल और सब्जियों से मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद आप चुंगड़ी मलाई, एंडूरी पिठा, बड़ी चूरी और चोला वड़ा जैसे शानदार डिश को भी चख सकते हैं। तो ओडिशा के इस सफर में बस इतना ही। वीडियो से जुड़ी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।